स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारेशर। रिवर फ्रंट पर हम मौजूद हैं क्योंकि गुजरात में पहले फेज की वोटिंग जारी है। अब की बार किसकी सरकार, इसका फैसला अब जनता कर रही है। और जनता सुबह से ही, जब से वोटिंग शुरू हुई है, सुबह से ही लगातार मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। एक एक तस्वीर, एक एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल वोटिंग परसेंटेज कैसा है ये हम आपको जिले वाइज बता रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। राजकोट में 16%, जामनगर में 17%, देवभूमि द्वारका में 13%, पोरबंदर में 16%, जूनागढ़ में 12% और गिर सोमनाथ में 14% मतदान अभी तक हो चुका है। अमरेली की बात करें तो यहां 13%, भावनगर में 15% और बोटाद में 16% मतदान हो चुका है। नर्मदा में 14%, भरूच में 16% और सूरत में 14% मतदान हो चुका है। तापी में 15%, नवसारी में 13% और वलसाड में 16% मतदान अभी तक हो चुका है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और इन्हीं आंकड़ों से आप अंदाजा लगाइए कि जनता का जो उत्साह है वो क्या बता रहा है। वो यही बता रहा है कि मतदान को लेकर लोग जागरूक हैं और वो मतदान करने के लिए तमाम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। हम सीधा राजेश के पास चलेंगे, बोटाद से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, तस्वीरें दिखाइए क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दिखाइए कितना उत्साह, कितना जोश और क्या उनके मुद्दे। बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। यहाँ मतदाता जो हैं वो सवेरे से ही बोटाद के अलग अलग मतदान केंद्रों पर मैं पहुंच रहा हूं और बुजुर्गों में, खास करके महिलाओं में, खास करके बहुत ज़्यादा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। मतदान चल रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने महज 900 वोटों से ये सीट जीती थी प्राची, तो इस बार कांग्रेस ने जोर लगाया है यहाँ पर। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो लोगों से बातचीत करके समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी एक जगह जो है इन चुनावों में अपनी बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कितना चैलेंज कर पाएगी वो 8 तारीख को पता चलेगा। जो मतदाता इसमें वोट दे लिए सर आपने? हाँ जी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बार किसका जोर ज्यादा है बोटाद में? बोटाद में ज्यादा भाजपा का जोर है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो राष्ट्र के विचारधारा से सब चलते हैं लोग। भाजपा को तो कैंडिडेट बदलना पड़ गया यहाँ पे। कैंडिडेट, क्योंकि वो भी कैंडिडेट भी अच्छा था, वो भी कैंडिडेट अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी में वो पार्टी ने की करता है, वो भी जो भी कैंडिडेट को देता है। आम आदमी पार्टी भी आई है यहाँ पे? आई है ना, उसका यहाँ कुछ है नहीं है। वोट दे लिए सर आपने? नहीं, देने वाला हूँ। अच्छा, किसका जोर ज्यादा है यहाँ पे अभी? यहाँ पे जोर होगा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा आएगा पार्टी, कौन नहीं आएगी। अभी किसके प्रचार में ज्यादा दम दिखा, कौन किसने अपनी बातें ज्यादा अच्छे से पहुँचाई आप लोग तक? अब तक तो हमें तो भाजपा तक तो ज्यादा दम रहेगा, वही लग रहा है कि भाजपा। रेट को देख के वोट दे रहे हैं या मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं भाजपा? काम, जिसने काम किया है उसी को ही मत देंगे ना। इतने साल तक जितने काम किया है। क्या काम किया है? सब भाजपा वगैरह ने कई सारा काम किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।